कर लिया मैंने चेंज और डुगू को मैंने फोन किया। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ और ऊपर भी आ गई हूँ, मेरे को सिर्फ नहाना ही है, काम मैं सारा करके ही जाती हूँ। हेलो हो गया कुछ सजान? हेलो हो गया कुछ सजान? आज इतने टाइम के बाद डुगू का दिल हुआ चाउमीन खाने का। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं आ चुका हूँ फटाफट नीचे। और मैं मेरे नहीं गया होता सुबह सुबह, उठे वॉशरूम गए, कपड़े पहने, नीचे आगे चले चले, जब उतरू नीचे मैं उतरू, यही कर लापरवाही का नतीजा। सुबह मेरी नींद खुली 8 बजे, मैं कह रही जप्पो को स्कूल नहीं भेज ना, स्कूल जप्पो के हो चुके 9 बजे, छुट्टियां नहीं दे रही है। 8:45 खुली थी ये जप्पू को स्कूल की छुट्टियां नहीं दे रही, छुट्टियां दे दो एने केड़ी वड्डी हो रही है, पता नहीं लग जाना डीसी जी में जाके ठंड हो रही है, सबको ठंड लग रही है। पा। तो यहाँ पे जप्पू हो रहा है रेडी, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो जप्पू यहाँ पे रेडी हो रहा है, शर्म आ रही है क्योंकि जप्पू की जुड़ी ली हुई है। चलो जप्पू तैयार होकर मिलेगा आपसे। तो अभी कोई बात हो रही थी जप्पू से, मैंने जप्पू को बोला कि मेरे को बेच दो। क्या बात हो रही थी, बात बताओ ना क्या हो रही थी। ग्लव्स की बात हो रही थी, जप्पू कहता एक और ग्लव्स दिलवा दो, मैंने कहा मेरे को बेच दो। बोला ही नहीं क्या जप्पू ने बोला, अब मैं रोज ग्लव्स पहन के जाता हूँ तो मैं घर में भी पहन के रखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छे निकले थे, मंसूरी से लिए थे ग्लव्स, तो अब हम दोबारा मंसूरी जा ही रहे हैं तो पापा एक और ले देंगे। तो आगे से मैंने बोला मेरे को बेच दो, जप्पू कहता ठीक है। फिर कह रहा आप कितने के बिक जाओगे? अगर कोई मेरे को लेना खरीदना चाहता ना तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बोली लगा देना, मेरे जो खरीद लो, इनको मैं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है जप्पू? इसको इनको फिर मेरी कीमत पता लगेगी। कीमत आपको पता लगेगी, जो रात को नींद नहीं आएगी ना, सिर्फ जो रोज करवाते हो रात को, कीमत आपको हमारी पता चलेगी। चलो ठीक है गाइस, आपको पता लगेगी जो मुंह मांगी चीजें मांगते हो, जो बना बना के देती है, जो रोज का जरेला खाते हो रात को गर्म। आप अपने ओपिनियन बताना मेरे को, ओपिनियन होता है, एक ही बात है, समझने वाले समझ गए, ठीक है? तो आप बताना मैं बिकूंगा कि नहीं बिकूंगा। जप्पू को यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है क्योंकि जप्पू एक बार 200 रुपए लेके गया था, किसके लिए? डुगू टाई बेल्ट के लिए, सॉक्स के लिए, 100 रुपए को बाके आ गया था। तो आज जप्पू एनुअल फंक्शन के लिए पूरे 2500 रुपए लेके जा रहा है। कुंभ करके आया ना, ते हड्डियां तोड़ दांगे तेरिया। जेठालाल बनता जप्पू, बाय बाबूजी, बाय। जानते दे दी पैसे। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं स्कूल जाने के लिए और बहुत ठंड हो रही है, सच्ची बताऊं बहुत ठंड हो रही है। गाड़ी से बाहर मैं निकला ना, ओए होए होए, बहुत ठंड हो रही है गाइस आज। पापा कैसे है ठंड के नजारे? बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब बहुत हो रही है, बहुत बहुत हो रही है ठंड के नजारे। रजाई से उठते है ना जब सुबह पापा का अलार्म बजता है ना, उसके बाद जो नींद होती है ना, मम्मी कहते जप्पू ओ दो मिनट करते करते 8:15 हो गए आज, है ना पापा? आज 8:15 हो गए तो फटाफट से हमने भाग। ये भी सही है कि 9 बजे का स्कूल हो गया, सुबह सुबह जाना नहीं पड़ा, पहले 8 बजे का था। यस, तो अब 9 बजे का हो गया तो सही है, ठीक है, बढ़िया स्कूल हो गया हमारा, 9 बजे का हो गया, ठीक है। चलो पापा स्कूल, बाय बाय जप्पू, बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरी दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है, पर आज मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मैंने व्लॉग शूट करा ही नहीं सुबह। तो डुगू और जप्पू ने व्लॉग शुरू कर लिया था, तो हल्का फुल्का सा रेडी हो गई हूँ मैं जिम जाने के लिए। ब्रेकफास्ट मैं तो करती नहीं, डुगू भी नहीं करके गए क्योंकि उनकी और मेरी लड़ाई हो गई। एक्चुअली क्या होता है ना, डुगू ने ना दाढ़ी बांधनी होती है अपनी, तो ठाठे ना कल बनने के लिए दिए थे, वो जिस जो ऐसे कपड़ा बांधते हैं ना उसको ठाठा बोलते हैं हमारे सरदारों में, तो वो ना बनने के लिए दिए थे, तो वो रात को लेने थे, तो मुझे याद नहीं रहा, ना मुझे याद रहा ना डुगू को याद रहा। तो सुबह सुबह जब डुगू ने मेरे से ठाठा मांगा जाने के लिए, तो मैंने कहा ठाठे तो रह गए घर पे, ठाठे तो लेके ही नहीं आए, तो बस वो उस ठाठे के चक्कर में हम दोनों की बहस हो गई और हम लड़ाई हो गई। तो मैंने डुगू को बोला ब्रेकफास्ट, मैं कहा गुस्सा ब्रेकफास्ट पे उतारने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, तुम खुद कर लेना, ये है वो है बोल 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 के। सो डुगू तो चले गए हैं, मैं भी जा रही हूँ जिम, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो चलती हूँ मैं, चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ जिम जाने के लिए। जिस दिन से मैंने व्लॉग में दिखाया था ना कि डुगू घर में जाके जाते हैं, उस दिन से देख लो अपना सारा सामान रख के जाते हैं, बेड खाली करके जाते हैं। तो कर लिया मैंने चेंज और डुगू को मैंने फोन किया, तो डुगू ने एक बार तो मेरा फोन काट दिया, दूसरी बार उठा लिया, फिर उसके बाद चिड़चिड़ कर रहे थे, मैं कुछ बोल रही थी, उस बीच में फोन काट दिया।
थोड़ी देर बाद सेटिंग हो जाएगी, तो अभी मैं जा रही हूँ जिम आके, फिर उसके बाद फिर दोबारा करूंगी डुगू को फोन। इरिटेट तो मैं भी पूरा करने वाली हूँ, मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं तो फोन करूंगी करूंगी बार बार। तो अभी जिम से फ्री होके निकल गई हूँ मैं स्कूल के लिए। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है मैंने, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जिम में स्पेंड किया है, थोड़ी एक्सरसाइज भी प्रेस करी है। तो अब जा रही हूँ जप्पू को लेने स्कूल से, सीधा उसका टाइम हो गया है, लेके फिर सीधा जाऊंगी 10 मिनट निशा के घर, देन घर में वापस। हेलो जप्पू, क्या हाल चाल? तू पहले मुझे ये बता, तूने पैसे दे दिए थे मैम को? कंसेंट फॉर्म भी दे दिया था पक्का? अच्छा, बस वो हाइट नापने, हाथ नाप के दे था। नाप नापना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नापना? दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड, बता बता क्या कहते हैं नापने को, क्या कहते हैं? मेजर करते हैं। अब मुझे ये बता, अब तेरी फाइनल तैयारी चल रही है ना एनुअल फंक्शन की? अच्छा, तो उसकी मम्मा तो करवा ही नहीं रही? तो ये हीरो उतर गया है, भैया को 50 रुपीज दिए थे, 40 रुपीज रेंट का, 10 रुपए जो बचते हैं फिर वो इसी के हो जाते हैं। चीज लेके आएगा अपनी, अभी दौड़ता हुआ आएगा पीछे, 2-3 मिनट तो लगेगा। आ गया आ गया आ गया। अब बोलू कितनी चीखे मारता तू जप्पू, कितनी चीखे मारता गली में, चीखे। सो गाइस, मेरे को ना आज मैंने निशा के घर पे मांग के लंच कर लिया है। वो देखो लेट हो रही है अंदर, लंच अपने लिए बना रही थी, मैं क्या मैं भी खाऊंगी। इधर देखी पर कहती दो मांगी, कोई पराठा देख ले जप्पू, कहती एक ही पराठा दूंगी, दूसरा भी लूंगी, मैं लूंगी ना, देगी ना निशा, देगी ना, तूने कहा ना पराठा खाएगी पराठा, मैं अपने से नहीं दूंगी, अपनी मम्मी से लेके अंदर जाके, ओके ठीक है। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ और ऊपर भी आ गई हूँ, मेरे को सिर्फ नहाना ही है, काम मैं सारा करके ही जाती हूँ। तो अभी ऊपर आ गई हूँ नहाना, मुझे दो बार क्यों बोली मैं एक बार को कुत्तू राम। तो डुगू के साथ सब कुछ सॉर्टेशन हो गई है, डुगू की कॉल भी आ गई थी, अच्छे से बात भी कर ली हम लोगों ने, तो हमारी इतनी छोटी मोटी छुटकम लड़ाई चलती रहती है। मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि ठंड कुछ कम सी हो गई है, पर यार एक चीज की रूटीन बहुत ज्यादा बिगड़ गई, सही बताऊं ना मैं आपको। नहा लेती थी मैं अच्छी खासी, सुबह 8 बजे जिम जाती थी तो मैं नहा धो लेती थी, 11-12 बजे तक फ्री हो जाती थी, नहा लेती थी। अब क्या हो गया ना, 11 बजे मैं जिम जाती हूँ, सुबह नहा के जाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा स्वेटिंग होती, इतनी ज्यादा कि कोई फायदा नहीं होता नहाने का। फिर जब मैं 1 बजे वापिस आती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार आधे घंटे में ऊपर जाके तो गर्म पानी से बकेट ही भरेगी, तो तब तक तो मेरे जप्पू को लाने का टाइम भी हो जाएगा, इसलिए आधा घंटा होता है मेरे पास, मैं निशा के घर चली जाती हूँ क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। तो मतलब बड़ा अटपटा सा टाइम हुआ हुआ सीरियसली ना, अब ट्यूशन का टाइम हो गया होने वाला, मतलब अभी हुआ नहीं है प्रॉपरली, 15-20 मिनट मेरे पास है, तो ना हाँ तो मैं लूंगी, मेरा पानी भर गया है, तो खाना मैं खा के आई हूँ। आज पता क्या हुआ, एक बार ना एक्चुअली निशा ना कहीं पे गई हुई थी, तो उसने ना मेरे को बोला, कहती भैया ब्रेकफास्ट करने आएंगे घर पे, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ना हमारे घर ब्रेकफास्ट करने आए थे, तो ना उस टाइम पे ना मैंने मूली के पराठे बनाए थे, मेरे पास मे बी 2 ही मूली अवेलेबल थी, तो मैंने क्या करा ना उसमें से डुगू को ब्रेकफास्ट दिया, और मैंने कहा चलो भैया आएंगे, 4 पराठों की मूली थी मेरे पास, मैंने कहा चलो भैया आएंगे, भैया सुबह बंदा इतने ही पराठे खाता, 3-4 और कितने खा लेगा सुबह। तो ना भैया के साथ ना भैया का एक कजन था, दोनों आ गए, तो मैंने एक बार देख के तो होश उड़ गए, मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं थी उस दिन, तो मैंने ना क्या करा 2-2 पराठे बना के प्लेट्स में रख के साथ में चाय का कप दे के मैंने दोनों की प्लेट्स मतलब वहां पे लगा दी टेबल पे, उसके बाद उनको पराठा पूछा ही नहीं। भैया घर गए, भैया कहते एक तो उसने पराठे बनाए, दोबारा पूछा ही नहीं। तो मुझे इतनी हंसी आई थी ना उस दिन, मैंने कहा हाँ यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, तो अभी करके मैंने पूछे नहीं। निशा ने फिर मेरे को बोला, निशा भी हंस रही थी, निशा कहती तूने मेरे को दोबारा मेरे हस्बैंड को पराठे क्यों नहीं पूछे, मैंने कहा यार मेरे पास था ही नहीं कुछ, तो मैं क्या ही पूछती। तो ऐसा हुआ था, तो वही ना उसी चीज का ना निशा, आज जैसे उसने मेरे को आलू का पराठा दिया ना, उसको वो चीज याद आ गई, करी एक ही पराठा दूंगी तुझे, एक ही दूंगी, दूंगी ही नहीं। तो ऐसा कुछ सीन ना, कभी कभी वो मेमोरीज जो होती है ना वो याद आ जाती है। तो अभी लंच में करके आई हूँ निशा के घर से, एक्चुअली क्या है ना
मैंने पीछे साग बनाया था ना, तो वो एक हफ्ता चलता रहा ना, साग खत्म ही नहीं हुआ। हमने सुबह खाया, रात को बाहर से खा ली, सुबह खाया, रात को, ऐसे करके ना साग खत्म नहीं हुआ। तो डुगू का ना मन चढ़ गया, डुगू कहते हरलीन साग बना मत लेना घर पे, तो उसके घर साग बना हुआ था। मैंने कहा चल यार मैं खा लेती हूँ, मेरा दिल हो रहा था साग खाने का, इसलिए हम लोग लंच वहां पे करके आए हैं। बस मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, बाकी चलो उसके बाद तो बिजी हूँ, मेरे को ट्यूशन पढ़ानी है। सो अभी मैंने नहा लिया है और रेडी भी हो गई हूँ मैं, और मैंने जो लिपस्टिक का शेड लगाया ना यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। लगा तो मैंने लिया, मुझे निशा ने दिया था। मैंने एक्चुअली रेड रेड कलर की लिपस्टिक्स नहीं लगाती, मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मेरे अनमोल रतन पधार चुके हैं सारे के सारे, सब पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। मैं भी आ गई हूँ तैयार होके बिल्कुल। और मेरे को ना एक्चुअली ना मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने अपने लिए गर्म किया गाजर का हलवा, तो साथ साथ खाऊंगी, साथ साथ ट्यूशन पढ़ाऊंगी। अब मिलूंगी आपसे बिल्कुल 7 o'clock। तो अभी बच्चे ट्यूशन पढ़ के जा चुके हैं, जैसे कि आप सबको पता ही, आज सुबह मेरी टुकु से लड़ाई हुई थी, तो जिस दिन हमारी लड़ाई होती है ना, उस दिन तो हम जरूर राउंड मारने जाते ही जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, टुकु का फोन आया कि नीचे आ जाओ। जप्पू भी यहाँ पे तैयार हो गया है, कैप वैप पहन लिए, जैकेट वैकेट पहन के रेडी है। चलो चले, चलो चलिए। पैसे क्यों नहीं लेके आई है? हेलो हो गया गुस्सा शांत? हेलो हो गया गुस्सा शांत? जो सुबह करके गए थे सुनो, नाश्ता कर लिया था? नहीं। लंच? नहीं। लंच भी नहीं करा, नाश्ता भी नहीं करा? क्यों इतना व्रत था करवा चौथ का आपका? कुछ ना कुछ तो खाया होगा, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि सुबह से आप निर्जल कुछ नहीं मिलता। फिर मैं आपको बोल रही थी ना खा लो, इतनी अक्कड़ दी खाते हो। फिर दोपहर को मैंने बोला लंच भी भेज देती हूँ। कोई बहुत है, देख रहे जप्पू क्यों गली में शुरू हो गए, शोर मचा रहे हो। चलो बैठो। सो गाइस हम लोगों के भी ना अजीब से ही फैशन है, ये देखो हमने अभी फ्रेंच फ्राइज पैक करवा लिया, चटनी वटनी नहीं ली है, और बुलेट पे राउंड मार रही हैं खाते खाते। गरम गरम अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है ना, टेस्टी लग रहे हैं। सो आज इतने टाइम के बाद डुक्कू का दिल हुआ चाउमीन खाने का। कल पापा के पास राशन था ना, इसीलिए पापा ऊपर नहीं उठा के ला पाए। तो यहाँ पे हम जप्पू के लिए मंगाया डोसा, हमने चाउमीन फिनिश कर दी। जप्पू शेयरिंग इज केयरिंग। तो अभी डुक्कू को खाना है गजरेला, तो रख दिया मैंने माइक्रोवेव में। ओए ओए पागल हो आप दोनों, कर क्या रहे थे? अब करो ना, आपकी शर्म आ रही है। डोसा वोसा खाए हैं, चाउमीन खाए हैं, पेट भर गया। खाना वाना खाना खाना नहीं खाना, गजरेला खाना बस। तू क्या देख रहा है इधर उधर? क्या बोल, क्या बोल रहा है? इसमें तो पीनी नहीं है। क्या कर रहे हो यार? सो ये देखो जो जप्पू को हार डले थे ना उसकी दस्तार बंदी पे, अभी ये डुगू खोल रहे हैं। कितने दिन हो गए हम इनको खोल ही नहीं रहे थे। डुगू फाड़ दो यार नोट, आप तुम निकाल दोगे फिर? मैं नहीं निकाल रही, मेहनत का काम तो डुगू से होता ही नहीं है ना। अब एक सिर्फ नोट निकाला, निकालने के बाद कह रहे यार और ली निकाला भी नहीं, एक पीनी निकाली है बस, है ना। बंद करो यार इसको, जप्पू ने कर दिया भाई। एक नोट निकाला, कह रहे हाय हरलीन कैसे होगा ये, मेरे से तो हो नहीं रहा, तुम कर दो। मैंने 3 हार खोले थे पहले, उसके बाद फिर मैंने रख दिए थे, मेरा मन नहीं किया खोलने का। तो अभी सोच रही हूँ खोल देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं आज सोच रही थी आज आप लोगों के साथ मैं ना अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँ, तो चलो आज नहीं करती, कल करूँगी, कल भी नहीं करूँगी, परसों करूँगी, ठीक है रुको, क्योंकि कल तो वेडनेसडे है ना, तो कल तो डुगू घर पे है, अच्छा खासा डुगू व्लॉग बनवा सकते हैं, है ना रुको। और कुछ आपके ठाठे ले आई मैं, जिसके लिए आप मेरे से सुबह सुबह लड़के गए थे। अच्छी बात है। पता क्या कहते मुझे, खाना भी नहीं खा के गए। मैंने कहा डुगू खाना तो खा लो, खाना क्यों उतार रहे हो गुस्से पे? कहते तुमने मेरे को बोला है ना कि ये तुम्हारा काम है, तो मैं आज के बाद अपने काम खुद करूंगा। आज से डन है गाइस, हमारे घर पे डुगू अपने कपड़े खुद धोएंगे, अपने कपड़े खुद धोएंगे, अपने बर्तन खुद धोएंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, अपने हार भी खुद ही खोलेंगे, और अपने ठाठे भी। हार तो मेरे है। एक और बोल लिया बीच। ओके डुगू है ना, आज से अपने काम सारे खुद करोगे ना? आप तो करो, डुगू ने बोल दिया मैं आज से अपने काम सारे खुद करूंगा, और मैं आराम से बैठूंगी, आराम से मजे से। तो चलो ठीक है गाइस, कर देते हैं वीडियो को यहीं पे, एंड मिलेंगे आपसे कल वेडनेसडे नई वीडियो नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।